यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और विशेषकर गुजरात में हम लोग हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, इसलिए गुजरात में आकर हम लोग को और अच्छा लग रहा है। और विशेषकर इस राजनीति में आने के बाद गुजरात पहली बार आने का मौका मिला और उसमें भी बलिया महोत्सव में, और विशेष रूप से मेरे लिए और दुगनी खुशी इसलिए हो जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 4 महीने पहले ज्वाइन किया हूँ। तो अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कर्म भूमि पे आया हूँ तो हमें बहुत खुशी है। और जो कार्यक्रम किया है बलिया के लोगों ने, प्रेम जी और उनके लोगों ने, तो मुझे बहुत खुशी है कि बलिया के लोग और पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर गुजरात के विकास के लिए जो अपना हाथ योगदान दे रहे हैं उसकी भी सराहना करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आएँ, जो जगह आपको सर पे छत दे रही है और रोटी दे रही है, तो वहाँ पर मन लगा के काम करिए कि आपका भी विकास हो, इस क्षेत्र का विकास भी हो और उसके साथ साथ बलिया का भी विकास होगा। जब आप उन्नति करेंगे, आप विकास करेंगे, तो बलिया का भी विकास होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। तो यही कहूँगा, शांतिपूर्वक रहकर, क्योंकि हम लोग बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार बागी बलिया कहते हैं, तो इसलिए मैं उनसे आग्रह, बलिया के लोगों से और जो लोग वहाँ से आते हैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह रहकर हम लोग ये दिखाएँ कि बलिया के लोग जहाँ भी जाएँगे विकास करेंगे। पिताजी के साथ आता था, लेकिन राजनीति में आने के बाद पहली बार आने का मतलब, गुजरात हम सब जानते हैं, गुजरात ये हम लोग के लिए तो एक पावन धरती है, बापू की धरती है, सरदार पटेल जी की धरती है, तो यहाँ तो आकर आदमी वैसे ही गर्वान्वित महसूस करता है। और मुझे पूरी आशा है कि गुजरात के लोग भी पूर्वांचल के लोगों का ख्याल रखेंगे और उनको अपना स्नेह देंगे। देखिए, आज वास्तव में बलिया एक अपना सांस्कृतिक और एक स्वाभिमानी जो स्वरूप होता है, कहीं भी रहता है तो बलिया अपना दिखाता है। तो इस बलिया महोत्सव के रूप में बलिया के भाइयों ने बलिया के सांस्कृतिक परंपरा का, बलिया के स्वाभिमानी परंपरा का एक प्रस्तुतिकरण किया है और इसको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये अच्छी बात है, जो भी अपने, जो भी कम्युनिटी अपने मूल जन्मभूमि और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा भी याद करती रहती है, उसका मौलिकता कभी नष्ट नहीं होता है। तो बलिया की मौलिकता को जीवंत बनाए रखने के लिए हमारे बलिया के भाई लोग गुजरात की धरती पर भी बलिया को जीवंत बनाए हुए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैसेज तो यही है कि भाई, बलिया के लोग अपने पुरुषार्थ और त्याग के बल पर जैसे भारत का बहुत बड़ा सेवा किया है, उसे गुजरात को भी विकसित राष्ट्र प्रदेश के रूप में आज विकसित बनाए हुए हैं, उसमें अधिकतम अपनी भूमिका निर्वहन करते रहें, साथ साथ अपने जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति भी प्रेम दर्शाते रहें। उनके आयोजकों को दीर्घायु होने की मैं कामना करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बलिया के सांस्कृतिक धरोहर को इसी तरह से जीवंत बनाए रखने में अपनी अधिक से अधिक भूमिका अदा करें और वो स्वयं इतने सुदृढ़ रहें ताकि बलिया का अस्तित्व और सम्मान की रक्षा जहाँ भी रहें वो कर सकें।
उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष के नाते बलिया महोत्सव जो मनाया गया, मैं आज बलिया महोत्सव के तमाम आयोजकों को खूब खूब अभिनंदन देता हूं और साधुवाद देता हूं। उत्तर भारतीयों के लिए चाहे बलिया हो, चाहे बिहार हो, चाहे जो हो, जिस तरह से इन्होंने बलिया महोत्सव का आयोजन किया और इसमें गणमान्य लोगों को बुलाया और बलिया के जो मूल चंद्रशेखर सिंह जी के लड़के नीरज शेखर जी का जो आगमन हुआ वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बलिया महोत्सव के श्री प्रेम प्रकाश सिंह जी को मैं खूब खूब हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करके हम लोगों को लाभान्वित किया। बलिया महोत्सव जो है बागी बलिया के रूप में भारत में मशहूर है। बलिया हिंदुस्तान के आज़ाद होने के एक दिन पहले आज़ाद हो गया था, इतना क्रांतिकारी बलिया, और आज उसका महोत्सव जो है बलिया के ही सपूत वीर मंगल पांडे हॉल में रखा गया, जो मंगल पांडे बलिया के सपूत थे, क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उनके नाम के हॉल में बलिया महोत्सव रखा गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बलिया महोत्सव की इस सफलता को मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बलिया महोत्सव बड़े ही धूमधाम से अहमदाबाद निकोल में मंगल पांडे, वीर शहीद मंगल पांडे हाल में मनाया गया, ये दूसरी बार है। और संजोग से मंगल पांडे जो हाल है ये भी बलिया के ही थे, सबसे पहले बागी कहे जाते हैं श्री मंगल पांडे जी, और बहुत ही अच्छा उसका प्रसाद रहा। और बलिया से ही पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज कुमार जी भी आए थे और सुरेंद्र सिंह भी आए थे, और तमाम यहाँ पूर्वांचल के लोग, बलिया के लोग यहाँ आके इस महोत्सव का आनंद लिया है। आशा है कि इससे भी ज़्यादा हर साल लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जितना भी ज़्यादा जुड़ेंगे एक एकता का प्रतीक है, क्योंकि पूर्वांचल से जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो बलिया ही नहीं अपितु तो पूर्वांचल बिहार कह लीजिए, सारे लोग उस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी मनाया है। इसके लिए यहाँ के आयोजक मुख्य रूप से प्रेम प्रकाश सिंह और हमारी सारी टीम, जितनी भी टीम लगे, सभी को बहुत बहुत बधाई, और भविष्य के लिए उनके इसी तरह से कार्यक्रम करते रहें, आप लोग सहयोग करते रहें, और तमाम मीडिया के लोग भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के बहुत ही मेहनत किया है, उसके लिए हम मीडिया वाले को बहुत खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। Thank you.
मैं उपदेश गिरी अहमदाबाद लेबर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन से। ये बलिया का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, जो भी इसमें मेहमान आए थे अच्छे मेहमान आए थे। और ये बलिया का जो प्रेम सिंह जी हैं, इनका बहुत ही बड़ा समझियो कि इस प्रोग्राम में योगदान है, और समझिए कि कर्ता धर्ता यही हैं जो ये समाज के लिए जो ये प्रोग्राम का अति किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया महोत्सव हम लोग लगातार ये दूसरे साल मना रहे थे। इसमें बलिया से हमारे माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी और गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी जयंत सिंह सर, अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम किरीट भाई सोलंकी, हसमुख भाई पटेल जी, असरवा विधानसभा के MLA प्रदीप परमार जी, बापूनगर विधानसभा क्षेत्र के MLA हिम्मत सिंह पटेल जी, विरोध पक्ष के लीडर AMC अहमदाबाद दिनेश शर्मा जी और एडिशनल DGP KK ओझा जी, महेश सिंह जी IFS MD गुजरात बीज कंपनी, अजय प्रताप सिंह जी इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो है वो स्टेज के लिए हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे। हम सब उनका सब लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो लोग उपस्थित रहे, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आगे हम लोग इसके अगले साल और भी भव्य आयोजन करेंगे। हम लोगों का अगले साल उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने UP के CM को भी यहाँ पे बुलाएंगे और गुजरात के CM को भी एक साथ एक मंच पे इकट्ठा करेंगे। ये हमारा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश का एक दोनों का समन्वय बने। मैसेज समाज के लिए अच्छा है कि हम लोग एक किसी भी प्रयास के तहत एक समाज एक जगह एकत्रित होता है, उससे हमारे को ताकत मिलती है। हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति यहाँ भी हम लोग रहने के बावजूद उसको जिंदा रखे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोज अपिया प्यासल रहे रात दिन, रोज अपिया प्यासल रहे रात दिन, देख रौवा सभे के जुड़ा गई हम। विजय भाई की फरमाइश बात हो सके आप लोगों के अच्छा लगे। अरे केसर के गंध लेके, केसर के गंध लेके पूर्वा चल रहे, केसर के गंध लेके पूर्वा चल रहे, केसर के गंध ले वाकई गुजरात सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजपुरी की थाती बलिया की माटी की लाज बचाने के लिए अहमदाबाद में इसका आयोजन कराया है। वाकई बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए, और मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ।
जब मैं पहले आई तो थोड़े से नर्वस थी कि प्रोग्राम कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे, भोजपुरी को एक्सेप्ट करेंगे, कैसी गीतें सुनते हैं, थोड़ा ये भी तो मन में डर रहता है। लेकिन जो हम लोग गीत जो अश्लील नहीं गाते उसके विरुद्ध में, तो यहाँ पे जितनी भी जनता जनार्दन थी जिन्होंने आयोजन किया, प्रेम प्रकाश सिंह जी भैया उनके आयोजन में, वरिष्ठ गायक मदन राय जी और वीरेंद्र भारती जी, और मुझे गाने का जो मौका मिला और इतनी पब्लिक का सपोर्ट मिला, तो इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ सबके। जब जब पिया के आवन होई है हो, जब जब पिया के आवन होई है, खन के मोर कंगनवा आंगनवा का गा भूले, ओ मोरी गुइया आंगनवा का गा भूले, ओ मोरी गुइया आंगनवा का गा भूले। वाकई बहुत अच्छा लगा गुजरात में आके, और बड़े अच्छे श्रोता हैं, प्यार मिला बहुत, और फिर इच्छा जागृत हुई कि हमेशा आते रहें। बहुत सम्मान मिला दर्शकों का, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत प्यार मिला। आयोजक महोदय का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने दूर दूर से कलाकारों को इकट्ठा किया, कितनी मेहनत किया, और उनके हम आभारी हैं। और ऐसे ही इकट्ठा करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हम लोग सेवा करते रहेंगे श्रोता का, और गाना गाते रहेंगे कि भंवरवारे के तोहरा संग जाय, ए भंवरवा हो के तोहरा संग जाय। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे भोजपुरिया समाज के लोग हैं, मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं।
मैं वीरेंद्र भारती आजमगढ़ से चल के आया हूँ। आज अहमदाबाद में बलिया महोत्सव में आया और लोगों का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा साहित्य है, उसका प्यार और उसका स्नेह आशीर्वाद लोगों से मुझे मिला। और अपनी माटी की चीज़ को लोग बचा के रखे हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आज भी अपनी संस्कृति को लोग बचा करके हमारे प्रवासी भैया लोग अहमदाबाद में सजो के रखे हैं, इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी तमाम सारी विधाएं हैं, आप ये जान लें कि भारत सरकार के पास लिस्टेड 65 विधा है, 64 विधा, लेकिन मैंने 587 विधा का अब तक कलेक्ट किया है। मैं भोजपुरी पे रिसर्च कर रहा हूँ। और जहाँ तक सोहर मेरा बड़ा हिट रहा, आज मैं इस बलिया महोत्सव में भी सुनाया कि वो किन्नर लोग गाते हैं तो उनका एक अलग होता है। अरे कौन मास है अब बाबा मुरबिया कोई ले, अरे हाय हारे का ये मलकार का दिहला बाबू तन टाका कचकचा भग भगवा तुह के रहे बाबू, अरे कौन मास है बाबा मुरबिया कई ले अब कौने मास विदा कई ले हो, ए लाला ना कौने मास सुतली से जरिया की देहिया मोरा भारी भैली हो, अरे हाय हाय अरे दाए मलकार दूसर दुआर नु देखे के। बहुत बहुत धन्यवाद।